वेलकम टू माय चैनल। आज हम धनिया की चटनी बनाने जा रहे हैं। इसके लिए हमने बिल्कुल एक फ्रेश धनिया लिया है, एक बाउल, आधा कटा हुआ टमाटर, दो हरी मिर्ची के साथ कुछ लहसुन की कली ली है, और ये थोड़ा सा इतना ज़ीरा लिया है हमने, और ये हमारा काला नमक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम धनिया को थोड़ा सा पीस लेंगे बारीक। फिर इसमें थोड़ा थोड़ा करके और ऐड करेंगे, और साथ में मिर्ची और ये सब डालेंगे मटेरियल। अब थोड़ा इसमें जीरा ऐड करेंगे, काला नमक, ऐसे धीरे धीरे करके हम इसमें सारे सामान ऐड कर लेंगे। इस धनिया की चटनी को हम दाल बाफले के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है ये बनने के बाद। ये देखिए इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इसकी। हम चाहते तो इसे मिक्सर में भी पीस सकते थे, पर हमने ये तरीका अपनाया। ये देखिए ये धीरे धीरे बारीक होते जा रही है, ऐसे हम इसे कंटिन्यूसली करते रहेंगे। चटनी को ऐसे पीसने से टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, ज़्यादा समय नहीं लगता ऐसे बनने में। देखिए बस ये लगभग होने ही वाली है, थोड़ा सा और इस पर बेलन चलाना है। बहुत अच्छी महक आ रही है इसकी। आप आपके स्वाद अनुसार इसमें नमक वगैरह जितना भी मटेरियल आपको चाहिए आप ऐड कर सकते हैं, और इसमें नींबू भी डाल सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, 3 मिनट में ही हमारी ये धनिया की चटनी बन चुकी है। 2 लोग आराम से खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी है ये। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमारी वीडियो देखने के लिए थैंक यू। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें।